एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। एलेक्सी ग्रेबिनोव की आत्मा, आओ आओ, एलेक्सी ग्रेबिनोव की आत्मा आओ। ओल्गा रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं मदद करना चाहता हूँ। जाओ, मेरे घर जाओ, वहाँ कोई भी तुम्हारी तलाश नहीं करेगा। मैं मेरी नौकरानी को चिट्ठी भेज दूंगा, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या? तुम यहाँ नहीं रह सकती, मुझे सब पता है, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें छुप जाना चाहिए, वरना तुम जेल में जाओगी। तुम्हें लगता है कि ये मैंने किया? मैंने एलेक्सी को मार डाला? तुम पागल हो सच में। मुझे पता है कि तुमने सोच समझ कर नहीं किया, ये सब तुमने जोश में आकर किया है। तुम उससे बात करने गई थी और उसने तुमको नाराज कर दिया, इसलिए। जब से वो भाग गया था मैंने उसे देखा भी नहीं था, वो मुझे मिला ही नहीं। ओल्गा सुनो, मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम दोनों को बातें करते देखा, मुझे माफ कर दो। तब तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने उसे गोली नहीं मारी। मैंने इतना नहीं देखा, मैं तुरंत चला गया था क्योंकि मैं सहन नहीं कर सकता तुम्हारा अपमान, और ठीक उसके बाद मैंने गोली की आवाज सुनी। मैंने गोली नहीं चलाई। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई, मैं बस चली गई। देखो ओल्गा, तो वो तुम थे, घटिया इंसान। क्या कह रही हो? तुमने मेरे जाने के बाद उसे मार डाला। बस करो ओल्गा। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे जेलेसी के बारे में स्टोलमन को बताऊंगी, और एलेक्सी को तुमने ही मारा है ये भी। ओल्गा वहां मत जाओ, मुझे पता है कि वो तुम थी और स्टोलमन इसका पता लगा लेंगे। ओल्गा मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बात सुनो, याको प्लातोनोविच, आओ बैठो। याको प्लातोनोविच, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी सांस ले लो। मुझे कहना होगा, तुम्हारा काम बड़ा भारी है याको प्लातोनोविच, लेकिन तुम इसे बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। कॉफी पियोगे? जी नहीं, थैंक यू। ठीक है, ये बताओ क्या चल रहा है, कुछ प्रोग्रेस हुआ? इस वक्त केवल 5 लोगों पे शक है, और वो 5 के 5 जब ग्रेबिनोव को गोली लगी उस वक्त पार्क में ही मौजूद थे, और उन सब के पास कोई ना कोई मकसद था। उन सब का क्या मकसद है? सेमियोनोव को नफरत है, ट्रॉपनी ने येलेना की वसीयत को चाहता है, ओल्गा गुस्से में उसे मार सकती थी, और स्टीवर्ड की बेटी, क्योंकि उसको उसने गर्भवती किया था और फिर छोड़ दिया, और आखिरी में है स्टीवर्ड, उसने प्रिंस के साथ मिलकर योजनाओं को अंजाम दिया। प्रिंस भी? हाँ, प्रिंस भी। वो कल मिस निजिंस्किया के साथ यहां पर था, और खेल खत्म होने के बाद यहां से जल्दी चला गया। मुझे लगता है कि उसकी दिलचस्पी जमीन को खरीदने में थी, और स्टीवर्ट ने उसे एलेक्सी की जमीन कम दाम में बेचने का वादा किया। क्या? मैंने उसे बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है। किस लिए? उनके साथ भी सवाल जवाब करने हैं सर।
मुझे इसमें शामिल मत करना। जैसा आपको ठीक लगे सर। वैसे काफी सारा काम बचा है, इसलिए मैं आपसे जाने की इजाजत चाहता हूँ सर। मैं तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करता हूँ, तुम करते रहो। अलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच, तुम देख रहे हो सब कुछ कितना मुश्किल है। हर कोई हर किसी पे शक कर रहा है। प्लीज आकर सबको समझाओ। इसके लिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। चट्टान, चट्टान, पेड़, वाइन्स, काई और जहरीली घास, ये सब पृथ्वी पे है। मौन, शून्यता, बर्फ, वाह बहुत बढ़िया। क्या तुम भी एक अभिनेत्री बनना चाहती हो? मुझे लगा तुम सच में मदद करना चाहते हो, मगर तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझ पर गुस्सा मत करो, मैंने मजाक किया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें लगता है मैं नाटक कर रही हूँ, है ना? एना विक्टरोवना, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत हो, ये मेरी बेवकूफी थी। तुम्हें पता है मुझे अभी भी लगता है तुम्हारी सलाह अच्छी थी, इसलिए अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जारी रखना चाहती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम बर्फ को बुला रही थी? प्लीज जाओ, तुम मेरे काम के बीच आ रहे हो। ओके, आई एम सॉरी। एलेक्सी, तुम यहां हो? तुम छुप क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। क्या मुझे तुम्हारे बुलाने पर आना पड़ेगा? मुझे बताओ किसने तुम्हें मारा? इससे फर्क पड़ेगा? बेशक। इस जगह के लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए, पर उन लोगों के लिए नहीं जो तुमसे और तुम जिनसे प्यार करते थे। मैंने शूटर को नहीं देखा, एक काली परछाई दिखी और फिर एक फ्लैश। मुझे बताओ कि मुझे वो सुराग कहां मिलेगा? मत ढूंढो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एलेना, प्लीज दरवाजा खोलो। एलेना, मुझे तुमसे बातें करनी है। एलेना प्लीज मुझे अंदर आने दो। एलेना सुनो, वो जमीन बेचना चाहता था। एलेना, 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 उसने अपनी नींद की दवा का ओवरडोज ले लिया है। अभी से तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, गाड़ी बुलाओ। गाड़ी दरवाजे पे इंतजार करिए सर। इसे उल्टी कराने की जरूरत है, वरना ये मर सकती है। इन्होंने ओवरडोज ले लिए, तुम एक काम करो, जल्दी से गाड़ी को बुलाओ, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना। जी हाँ सर, मैं बुलाता हूँ। काम जल्दी करना। जी सर। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी लेकर जाओ। संभाल कर ले चलो। आराम से रहिए, सिर पकड़ लो, संभाल के। हॉस्पिटल चलो जल्दी। ट्रोपनिन, जब तक हमारी जांच खत्म नहीं हो जाती तुम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हो, ये बात याद रखना। पर मैं इसे अकेले नहीं जाने दे सकता। हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि मिस्टर स्टॉलमैन सही कह रहे हैं,
ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसके साथ रहना होगा। मैं आपके बेवकूफ आदमियों पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं तो मैं येलेना के साथ किसी और को भेज देता हूँ। मिस्टर अल्मज़ोव, आप इनके साथ क्यों नहीं जाते हैं? बेशक ऑफिसर, मैं तैयार हूँ। तो फिर मैं भी जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना और मुझे रिपोर्ट करना। चलो नीचे उतरो, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी चलो चलो। बहुत निर्दयी हो तुम, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे सच्चाई बताइए, क्या येलेना निकोलाइवना को इस समय पैसों की कोई समस्या थी या फिर कुछ और? हाँ उसे थी, तो उससे क्या होगा? अभी के लिए तो मैं कुछ भी। तो क्या येलेना ने आपसे पैसे मांगे थे? निश्चित रूप से येलेना ही होगी, उसके सिवा और कौन होगा? संपत्ति का वारिस कौन होगा मुझे बताइए। मैंने बताया ना, येलेना ही होगी। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सवाल पूछने के बाद तुम कहाँ जा रहे हो? क्या आप नहीं जानते हैं? जानता तो पूछता ही क्यों। आपके पास एक मकसद है, येलेना की सारी प्रॉब्लम उसके बेटे की मौत के साथ अपने आप ही खत्म हो गई है, आपको भी पता है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात का कोई भी आइडिया था। यकीनन आपने उसकी मदद की होगी। शहर छोड़ के मत जाइएगा। यहां से दूर मत जाना। कैसे कह सकते हो तुम? वो मर गई। वो मर गई। क्या येलेना ने अपने बेटे से भी पैसे मांगे थे? हाँ, पर उसने उनको मना कर दिया था। क्या ट्रॉपनिन ने पैसे के बारे में एलेक्सी से कुछ बात की थी? मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे बस इतना पता है कि ट्रॉपनिन ने मुझसे पैसे के बारे में बात की थी। आपसे? उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि मैं येलेना निकोलाइवना को पैसे दे दूं मेरे बॉस को बिना बताए। बेशक मैंने मना कर दिया। पर यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे नहीं लगा था कि यह इतना जरूरी है। पर अब और अब ऐसा क्या बदल गया बताइए? मैंने गलती से ट्रॉपनिन को येलेना से बात करते हुए सुना। गलती से। वो उस पर अपने बेटे के हत्या का आरोप लगा रही थी। पर क्या उन्होंने ऐसा साफ साफ कहा था? उन्होंने कहा कि वो जानती है कि उसी ने किया है। प्रिंस रजुमोस्की आपके शो के दौरान किस बारे में बात कर रहे थे? जमीन बेचने के बारे में। एलेक्सी ने प्रिंस रजुमोस्की के साथ एक सौदा किया था। मैं बस कुछ बातों को स्पष्ट कर रहा था। बातचीत करते करते वो बहस में बदल गई थी। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। प्रिंस कुछ बातों को लेकर परेशान थे उसमें, और प्रिंस में पहले से ही कुछ अनबन हो गई थी। इसकी क्या वजह थी? मुझे नहीं पता, आप उनसे ही पूछ सकते हैं।
मुझे आशा है कि आपको पता है कि मैंने आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है। एलेक्सी ग्रेबिनोव की हत्या की पूछताछ के लिए। पूछताछ के लिए? क्या तुम पागल हो गए हो? नाटक के वक्त आप और स्टीवर्ड किस बारे में बातचीत कर रहे थे? मेरा एलेक्सी के साथ कुछ व्यापारी काम था, हम उस बारे में चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार का व्यापार प्रिंस? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी बातचीत के 30 मिनट बाद मिस्टर ग्रेबिनोव को मार दिया गया। अच्छा, तो क्या हुआ? नाटक देखने आप वहां पर क्यों नहीं रुके जबकि आपको आमंत्रित किया गया था वहां पर? मुझे दिलचस्पी नहीं है। आपको दिलचस्पी नहीं थी जबकि ग्रेबिनोव के साथ आप एक थिएटर कंपनी शुरू करना चाहते थे, फिर भी? मैंने रिहर्सल में पार्टिसिपेट किया था और पहले नाटक पढ़ लिया था। जहां पे डेड बॉडी मिली आपको उस तरफ जाते हुए देखा गया था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्रिंस? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? याकोब प्लोटोनोविच, हमें परिणाम मिल गया है, आपको यकीन नहीं होगा। आप कहीं जाइएगा मत, बातचीत अभी बाकी है। पहले मेरी बात सुनो, ये मेरा अपमान है। स्टॉलमैन, क्या उसे लगता है कि मैंने एलेक्सी को मार दिया है? मैं उससे बात करूंगी। हाँ प्लीज उससे बात करो, अपने पुलिस दोस्त को थोड़ा समझाओ। मैं पार्क में हूं। एना विक्टोरोवना, तुम अभी भी यहाँ हो? हाँ, हम एलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच की जांच कर रहे हैं। लगता है ये बुरा सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। सच में ये एक बुरा सपना है। वो मुझे पुलिस स्कॉट के तहत यहाँ ले आए हैं, बेवकूफी भरे सवाल पूछ रहे थे। उनकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम पर शक नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है वो आप पे शक नहीं करेंगे। तो फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? मैं समझ गया, तुम जांच में भाग ले रही हो। नहीं, मैं बस हेल्प कर रही हूँ। फिर तो तुम मेरे निर्दोष होने की पुष्टि कर सकती हो। सवाल पूछो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। ऑफ कोर्स, मैं जानती हूँ आप बेगुनाह हैं। तो फिर प्लीज स्टॉलमैन को समझाओ, वो सोचता है कि मैंने एलेक्सी को मार डाला। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ भी मानते हैं। इसलिए तो वो मुझसे सवाल कर रहा है। तुम मुझसे आजकल इस बारे में बात नहीं करती। मुझे पता है आगे आप क्या पूछने वाले हैं। किरिल व्लादिमिरोविच, मुझे लगता है मेरे पास उसका जवाब है। नहीं, मैं आपकी वाइफ नहीं बन सकती। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मुझे माफ कर दीजिए। एना विक्टोरोवना, पिस्तौल पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो स्टीवर्ट की बेटी के हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इन पर पाए गए फिंगरप्रिंट्स के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं स्टडी रूम की सफाई कर रही थी, वो बॉक्स में थी, मैंने बस उसके ऊपर की धूल साफ की। क्या आपने इस काम के लिए नौकरानी नहीं रखी है? साशा कुछ कामों में हमारी मदद करती है, वो क्यों नहीं करेगी? मुझे सच बताइए कि आप बंदूक के पास क्या कर रही थी? क्या आप मेरी बेटी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं? अगर इस तरह आप मुझे बीच में रोकेंगे तो मैं आपको इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम बंदूक लेकर पार्क में गई थी, मुझे बताओ? और पार्क में जाने के बाद तुम सिर्फ एलेक्सी को ढूंढ रही थी, है ना? नहीं, मुझे नहीं मिला। वो मेरे बॉस को हाथ में पिस्तौल लेकर ढूंढने क्यों जाएगी, आप ही बताइए। एलेक्सी कॉन्स्टेंटिनोविच, उसने आपकी बेटी को बहकाया, इन दोनों ने साथ में वक्त गुजारा, इसके पेट में उसका बच्चा है। ये बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर सेमिनोव ने हमें यह बताया है कि आपने इनसे कहा था कि ये डॉक्टर के पास जाएं और इस समस्या का समाधान खोजें।
उसने ऐसा क्यों किया? उसने वादा किया था वो किसी से नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी पिस्तौल पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स आखिर कैसे हो सकता है, बताओ? मैं बस एक बार देखना चाहती थी, एक दिन पहले उनके बीच किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई हो गई थी। किस बात के लिए? थी कोई वजह, सेमिनोविच और एलेक्सी के बीच झगड़ा होने वाला था, क्या आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं, किस बात के लिए? ये सब कुछ उल्गा के वजह से हो रहा था, वही सब की वजह थी। उसने इसे रोका, क्या ये सच नहीं है? उल्गा उनके बीच आ गई और उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिस्तौल लेकर आप पार्क में गई थी? मैं सिर्फ देखना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग अभी जा सकते हैं, पर कहीं बाहर मत जाइएगा, पूछताछ बाकी है। ये तुमने क्या कर दिया? मैंने सच में, क्या कर दिया? सच में कुछ नहीं किया। मेरा सिर काफी जोरों से घूम रहा है याको प्लूटोनोविच, उसने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। सेमिनोव को बुलाओ जल्दी। जी सर, पर मैंने उन्हें डेक के पास बेंच पे बैठे हुए देखा था। तीन दिन पहले तुमने मरने वाले को चैलेंज किया था, तुमने साशा को बदनाम किया ताकि सारा शक सिर्फ साशा के ऊपर जाए। जहां पे अपराध हुआ वहां तुम्हारे पैरों के निशान मिले हैं, तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। सच कहो, क्या तुमने ग्रेबिनोव को जान से मारा? सच बोलने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मिस्टर सेमिनोव, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ऑफिसर इन्हें लेकर जाओ और इस पर नजर रखना। जी सर, मेरे साथ आइए। सेमियोनोव निर्दोष है, मैंने उनके बातचीत सुन ली थी। आत्माओं की बातचीत? नहीं, सेमियोनोव और ओल्गा की। पर उसने अभी जुर्म कबूल किया है। वो उसे बचाना चाहता है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। तो फिर तुम प्रिंस को क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि मुझे इस बारे में यकीन नहीं था। पोलंस्काया मर चुकी। और ये सब तुम्हें कैसे पता है, बताओ? मैंने उसे देखा, इसका मतलब वो मर चुकी है और प्रिंस निर्दोष है। बेशक, लेकिन सीजर की पत्नी की तरह संदेश से परे। ये तो जुल्म है, तुम मुझ पर भरोसा करना कब शुरू करोगे? हाँ, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पर तुम शर्तों के साथ मुझसे भरोसा चाहती हो, तुम्हें ये मानना होगा। पता है, शायद मुझे प्रिंस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या तुमने प्रिंस को हाँ बोल दिया है? नहीं, लेकिन मुझे कह देना चाहिए। मैंने आपसे कहा था आप घर नहीं छोड़ सकते हैं। क्या मैं गिरफ्त में हूँ? आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आप वहां पर क्या कर रहे थे? क्या आप सबूत मिटा रहे थे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? नाटक से 30 मिनट पहले आप और ग्रेबिनोव आपस में बात कर रहे थे, वो बात किस बारे में थी? हमारा साथ में कारोबार था। और जमीन का सौदा? मैंने तुम्हें इसके बारे में सब बताया है। पर आप जानते हैं कि आपका झगड़ा हुआ था। मैं अपने वकील के बिना आगे कुछ नहीं कहूंगा, मैं जा रहा हूं। इस बात की इजाजत नहीं है आपको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें तबाह कर सकता हूँ कमीने। तुम्हें तो तबाह मैं करूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझ गए? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें देख लूंगा, समझ गए? हमारा मुकाबला अब कल होगा, सुबह तैयार रहना। बढ़िया, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप दोनों ने अभी जो कुछ भी देखा है वो आप किसी से नहीं कहेंगे, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ?
बेशक आप सही कह रहे हैं जी, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर ट्रोपनिन, आपसे मुझे कुछ सवाल करने हैं। मैं चलता हूं। एलेक्सी के साथ आपका रिश्ता कैसा था? काफी तनाव वाला। वैसे वो मुझसे परेशान था। कोई भी लड़का अपनी मां के प्रेमी के साथ कैसा बिहेव करेगा आप समझ सकते हैं। क्या उसने लिखने के काम में आपसे कुछ भी मदद मांगी थी? सच कहिएगा। नहीं, वो मुझसे नफरत करता था। ओल्गा, सेम्योनोव ने हत्या की बात कबूल कर ली। क्या सच में? मुझे पता था वो ऐसा करेगा। तुम्हें पता है ना उसने किसी को नहीं मारा? क्या तुम भी पुलिस हो? सेम्योनोव बिना किसी जुर्म के जेल जाएगा। तुमने स्टोलमन को नहीं बताया कि उस दिन ग्रिब्योनोव के साथ तुम्हारी बातचीत हुई थी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। रुको, देखो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। किस नाटक को लेकर एलेक्सी इतना चिंतित था? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें सच में लगता है वो राजमोस्की था? देखो नैना, मैं सिर्फ एक जांच कर रहा हूँ और कुछ। ओ, सच में? या बदला ले रहे हो? तुम पहले ये तय कर लो कि तुम किसकी तरफ हो किसकी नहीं। तुम्हारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए नहीं चाहती कोई तुम्हें बेवकूफ समझे। मुझे सच ये बताओ कि हत्या के वक्त तुम कहाँ पर मौजूद थी? उस वक्त मैं यहीं पर थी और कई गवाह मौजूद हैं। अलमाजव गा रहा था। और उसके बाद? और फिर उसके बाद सब ग्रिबनी की तलाश करने लगे और मैं चली गई। तुम चली गई क्योंकि तुम्हें पता था कि वो मर चुका है? क्या मतलब है? तुम वहां से क्यों गई बताओ? क्योंकि तुम्हारी ऐना की तरह मुझे जांच में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे एहसास हुआ कि रात बर्बाद हो चुकी थी और मैं चली गई थी। प्रिंस से कहना कि पिछली सभी रातों की बातों को याद करने की कोशिश करे। ऐना, माफ करना, मरने वाले की आत्मा से बात की? तुम जानती हो कत्ल किसने किया? नहीं, तुम मुझसे ज्यादा ही उम्मीद रख रही हो। शायद तुम्हें पता हो कि किसने उसे नहीं मारा। प्रिंस ने नहीं मारा, स्टीवर्ट की बेटी ने। शायद बाकी लोगों की जांच के लिए याकोब प्लैटनविच स्टोलमैन काम पे लगे ही हुए हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। वो सोचता है प्रिंस ने किया है। वो डिटेक्टिव है, मैं उनके काम के बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये तो अच्छा हुआ कि शॉट के समय मैं तुम्हारे साथ डेक पर थी, वरना वो मुझ पर भी शक करता। एलेक्सी की आत्मा, मेरे सामने आओ। आओ एलेक्सी की आत्मा, मेरे सामने आओ। आओ एलेक्सी ग्रेविनोव की आत्मा, आओ। आओ एलेक्सी ग्रेविनोव की आत्मा, आओ। एक निर्दोष ने हत्या की बात कबूल की है। कोई भी निर्दोष नहीं है। अनंत काल के मामले में सही है, लेकिन आज यहाँ एक अन्याय हो जाएगा। तुम्हें किसने मारा? जो चोरी करता है मारता है। मुझे बताओ कि वो कौन था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये मायने नहीं रखता। तुम अपने माँ के अपराधी को सजा नहीं दिलाना चाहते? ये सारी बातें किसी को बोलना मत। सर, मिसेस पोलेंस्काया की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर।
उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे बताओ। मैं ग्रेविनियों से नफरत करता था क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। जब वो स्टेज से दूर पार्क में चली गई तो मैंने उसे ढूंढा और उसे गोली मार दी। तुम्हें बंदूक कहाँ से मिली? स्टडी में, बॉक्स टेबल पर ही पड़ा था। किसी ने बंदूक खाली करने के बारे में नहीं सोचा था, मैंने उसे मार दिया। मैंने कबूल कर लिया ना। इसे लेकर जाओ। तुम बहुत होशियार हो ना, तुम देख नहीं सकते वो झूठ बोल रहा है। हत्यारे को ये लगने दो कि हम सोविनोव को कातिल मानते हैं। तो तुम्हें विश्वास नहीं है कि उसने ऐसा किया है? तो फिर ये बताओ तुम्हें शक किस पर है? मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूं। मैंने एलेक्सी से बात की, उसने कहा जो चोरी करता है वो मारता है। और इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता, उसने मुझे ये अपनी लिखावट पे दिखाई। इसका नाटक के साथ कुछ संबंध हो सकता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बेशक मैं कर सकती हूँ। क्या पहले वाले केस की तरह इस केस में भी तुम क्रिया कर सकती हो? इस वक्त उसकी जरूरत है। एक औरत डूब गई थी और हमने हत्यारे को पकड़ लिया था। बेशक मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? बाहर तो बहुत ही ठंड है। वो हमें घर कब जाने देंगे? आप सबको इस वक्त यहाँ पर एक जांच के लिए बुलाया गया है। मिस्टर सेमियोनोव ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात के सबूत नहीं मिल रहे हैं। कुछ सवाल अभी बाकी हैं। क्या हत्यारा अभी हमारे बीच है? आप सबके सामने एना विक्टोरोना एलेक्सी की आत्मा को बुलाएगी और कुछ सवाल पूछेगी। प्लीज आप सब एक सर्कल बनाकर खड़े रहिए। हमें इसे यहाँ करना होगा? मुझे तो ये सर्कस लगता है। बिल्कुल, उस जगह से आत्मा अधिक सहयोगी होती है जहाँ से वो इमोशनली कनेक्टेड होती हैं। प्लीज एक दूसरे का हाथ पकड़िए। ग्रेविनोव की आत्मा आओ, आओ। मेरी किताब, मुझे पता है कि किताब कहाँ है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कहाँ है, लेकिन अभी नहीं, आधी रात को, आधी रात को। आप अपने हाथों को नीचे कर सकते हैं। आप लोग जा सकते हैं, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। इस सब का क्या मतलब है? जरूरत हुई तो आपको पुलिस स्टेशन में दोबारा बुलाया जाएगा। पता नहीं तुम क्या करना चाहते हो। अब तो ये बताओ कि ये सब कुछ असली था या एक दिखावा और एक शो था? ऑफ कोर्स ये एक शो था। आत्माएं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता, वो संतुष्ट हैं। हम इंतजार करेंगे जब तक हत्यारा उस किताब को दूसरी जगह रख के सामने नहीं आता। ये किताब का क्या मामला है और ये कितना जरूरी है? हाँ, मेरी कुछ थियोरीज हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, मैंने थोड़ा समय मांगा है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे लेने की? मैं कहता हूँ छोड़ो इसे, छोड़ो उसे। मिस्टर ट्रॉबनिन, छोड़ो। ये आप क्या कर रहे हैं? इनके साथ मारपीट आखिर क्यों? याकोब प्लेटोनोविच, ये लीजिए। प्रोमेथस, मिस्टर ग्रेबिनोव एक असली लेखक थे, ये बात साबित होती है। और अब आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। मिस्टर ट्रॉबनिन, मेरे साथ आइए, चलो। मैम, चलिए आप। दो साल पहले जब मैं पहले से ही एलेना निकोलाइवना के साथ था, तब मैं अलेक्सी से मिला था। उसने मुझे नाटककार बनने के अपने सपने के बारे में बताया और मुझे उसने अपने नाटक पढ़ने को दिए। मुझे लगा कि वो बुरे नहीं थे और मैंने उन्हें एक थिएटर कंपनी के निदेशक को दिखाया, लेकिन अपने नाम से, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ मेरा नाम हो। वो खुश हो गया और उसने तुरंत प्रस्तुत करने की हामी भर दी, लेकिन मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उसे ये नहीं बताया कि वो नाटक मेरे नहीं थे। मैं ना नहीं कर सका, हालांकि मुझे सच्चाई कबूल करनी चाहिए थी। मैं नहीं कह पाया क्योंकि मेरा कोई भी नाटक इतना हिट नहीं हुआ। तो ग्रेबिनोव के साथ आपने एक सौदा किया? हाँ, मैंने उसे मना लिया कि वो सिर्फ मेरे नाम से ही बनेगा और उसमें उसकी माँ मुख्य भूमिका निभाएगी। आखिर में वो मान भी गया था, इस शर्त पर कि मैं उसके नाम से दूसरे नाटकों को बढ़ावा देने में मदद करूंगा, और मैं दिल से ऐसा करना चाहता था। हाँ, लेकिन तब से उसने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा था। ये सच है। प्रोमेथियस एक बड़ी सफलता थी। ये एलेना और मेरे लिए सच्ची प्रसिद्धि के रूप में आई। हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। एलेक्सी को एहसास हुआ कि अगर उसने अपना नाम लेखक के तौर पर जाहिर किया तो उसकी माँ और मेरा भी करियर दोनों बर्बाद हो जाएगा, और उसने सबको बताने का फैसला कर लिया। दरअसल उसने मुझे नाटक होने से पहले ही बताया था कि वो अब चुप नहीं रहेगा। जब एलेना निकोलाइवना वापस आई और उसने कहा कि शो रुक गया था, वो एलेक्सी पार्क में भाग गया था। हालांकि मुझे ये एहसास हो गया था कि वो कुछ ऐसा ही करेगा। आपको बंदूक कहाँ से मिली? एलेना ने मुझे बताया। उसके बाद मैं स्टडी रूम में गया और फिर मैं वहां से पिस्तौल ले आया। ओल्गा, मुझे लगता है कि तुम्हें एलेक्सी जो बताने वाला था उसके बारे में तुम्हें पहले से ही पता था। हाँ, उसने बताया था। असली लिखावट कहाँ थी मुझे बताया था। तो तुमने उसकी मौत के बाद ट्रॉबनिन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तुमने उसे क्या मांगा, पैसे? एक ऐसी महत्वाकांक्षी अभिनेत्री, आप सोच सकते हैं कि वो क्या मांग करेगी। उसे अपने करियर में मदद चाहिए थी। मिस्टर ट्रॉबनिन, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज की पूरी रात आप यहीं पर गुजारेंगे। एक कांस्टेबल यहां पर रहेगा और कल सुबह आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। उलियाशेन, तुम पहरा देना। एना, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, पर तुम यहाँ वीराने में क्या कर रही हो? मैं निकलने ही वाली थी, मैं गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आने का मन किया। क्या तुम साथ में आना चाहोगे? मुझे आज की रात यहाँ रहना होगा। कल हमारे लिए डिपार्टमेंट से गाड़ी आएगी, तभी हम यहाँ से जा सकते हैं। अब तुम उस बेचारे सेमियोनोव को छोड़ दोगे? बेशक, कुछ दिन तो उसे हमें रखना ही होगा, क्योंकि उसने झूठ बोला है और पुलिस की जांच को उसने दूसरी दिशा में भटकाया है। क्या तुम ऐसा करते जो उसने किया? मैं कुछ समझा नहीं। अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को दोषी बताना। मुझे माफ कर दो एना, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है एना।
क्या तुम जा रहे हो? नहीं, पर तुम मुझे माफ कर दोगे ना? ऐसा लगा तुम अलविदा कह रहे हो। बस मेरा आज मन कर रहा है। नहीं, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम मुझे माफ करोगी या नहीं? बेशक मैं माफ करूंगी, मुझे भी माफ कर दो। लगता है आज हमारा माफी मांगने का दिन है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने प्रिंस को मना कर दिया। सच में? हाँ सच कह रही हूं। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम सच कह रही हो ना? तो क्या कल हम मिलने वाले हैं? तो फिर कल मुलाकात होगी। गुड बाय। गुड बाय। क्या तुम अखबार के लिए लिख रहे हो? नहीं, ये सिर्फ कुछ नोट्स हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, उम्मीद है कि तुम चौंकोगे नहीं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद चौंकने का सवाल ही नहीं है। क्या तुम मेरे साथी बनना चाहोगे? क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, तुमने खुद ही देखा था। मैं किसी और से कुछ नहीं कह सकता। उलियाशिन को भी नहीं? वो ये नहीं कर सकता, वो एक पुलिस अधिकारी है। तुम एक आजाद आदमी हो और तुम ये कर सकते हो। वैसे तुमने मुझे सच में चौंका दिया, इतने सम्मान के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? अगर तुम मर गए तो? तो क्या हुआ? कल तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। वैसे भी तुम प्रिंस या मुझे नहीं जानते हो। तुम बहुत अजीब आदमी हो। और तुम भी एक लेखक हो, तुम्हारे लिए ये सब एक बहुत दिलचस्प अनुभव होगा। एक लेखक के लिए ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। नहीं, मुझे इस तरह के अनुभव की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। और प्रिंस का साथी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा और इस बारे में बात करेगा। नहीं, मुझे माफ करना, ये मुश्किल है। अगर आप लोग तैयार हो तो शुरू करें। आप दोनों के लिए सुलह करने का ये आखिरी मौका है, सोच लो। तो खेल अब शुरू किया जाए। नहीं, तुमने पहले भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, लेकिन इस बार काम नहीं करेगा। प्रिंस, मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए, रुक जाइए, इनकी जान को कुछ नहीं होगा। रुक जाइए, इसे रोक दीजिए। नहीं, इसे रोको, बस करो, बस करो। नहीं, नहीं, रुको, प्लीज मत करो। याकूब प्लातनोविच, तुम ठीक हो? क्या चल रहा है? यह सब क्या नाटक है?
हम आगे नहीं लड़ सकते, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। याको प्लाटूनविच, मेरा एक शॉट तुम पर बाकी रहा, जब भी तुम चाहो। नहीं प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूं। तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? क्या पागलपन है, ऐसा क्यों किया? इस बारे में तुम्हें कैसे पता लगा? ग्रेबनोव की आत्मा मेरे पास आई थी, मैं प्रिंस के घर भाग कर गई, लेकिन वो वहां से निकल चुके थे। नीना वहां थी, वो मेरे साथ आई। मुझे बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं प्रिंस से नफरत करता हूं और वो मुझसे नफरत करता है। तो क्या उसके पास एक गोली बची है, वो किसी भी वक्त चलाने की मांग कर सकता है। ये सब मेरी गलती है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने प्रिंस को हाँ कह दिया है। तुमने झूठ क्यों बोला? पता नहीं, मैं चाहती थी तुम्हें जलन हो। तुम कामयाब हो गई।